आप सबकी। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज का जो ब्लॉग है मेरे बर्थडे का ब्लॉग है और आज ही मुझे सारी सब सेटिंग करनी थी, ब्लॉग बनाना था, लेकिन एक दिन पहले जो है बच्चों ने सरप्राइज दे दिया था और वो वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ सब शेयर करी है। तो आज का जो ब्लॉग है, बच्चे बाहर जाने का बोल रहे थे लेकिन मैंने कहा ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं घर में ही सब बना लेती हूँ खाना वगैरह। बाहर भी जाकर खाना ही खाना है तो मैं इनके घर में ही वही सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने ब्लॉग में बिरयानी बनाई है, गाजर का हलवा बनाया और वाइट कढ़ाई बनाई है। तो इन सब की रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह दूंगी और ये जो है आप पूरा ब्लॉग देखें और कैसा लगा और सब चीज़ें खाना वगैरह सब कैसा लगा तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो बस यही होता है कि सर्दियाँ बाहर निकलने में थोड़ा सा सुस्ती होती है तो घर में ये कि अच्छे सा बन जाता है और ज़्यादा क्वान्टिटी भी होती है और बच्चे सब रिलैक्स रहते हैं। बाहर जाते हैं थोड़ी देर के लिए ठंड होती है तो बाहर निकलना मेरे लिए तो मुश्किल होता है ठंड में, क्योंकि बाहर जाते हैं तो आपको पता है कि बाहर ठंड होती है और छोटे बच्चे हैं साथ में, तो इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि घर में ही रहें ताकि बच्चों को ठंड वगैरह ना लगे। जितना हो सके बच्चे घर में रहते तो उतना ईजी रहते हैं। तो बस यही है कि बच्चे बस ये कि शौक पूरा हो जाता है, कभी कभार चक्कर लगा लेना पड़ता है, लेकिन ये कि मैंने कहा ठंड है और रात का टाइम है इसलिए मैं घर पे ही बना लेती हूँ, ईजी होकर सब खाना वगैरह सब घर पे खा लेंगे। क्योंकि केक जो था वो तो कट कर लिया था, बस बच्चों की खुशी होती है, ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम मना लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं घर में। तो केक काट लिया था हम लोगों ने, अब मैं खाना वगैरह सब बना रही हूँ। तो सारा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोग देखिएगा और कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। चले चलते हैं ब्लॉग की तरफ। तो जी यहाँ पर जो है आज फ्राइडे का दिन था और मैं अपनी नमाज़ अदा कर रही थी, नमाज़ पढ़ी थी फ्राइडे के दिन की। तो आपको पता है कि सारे काम जो हैं वो एक तरफ करने चाहिए लेकिन नमाज़ जो है वो हमारी कज़ा नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन मेरी बर्थडे होती है तो उस दिन लाजमी मैं दो रकात नमाज शुक्राने की भी पढ़ती हूँ और अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ने साथ खरी साथ सारा साल जो है वो हमारा गुजार दिया था। और यहाँ पर मैं साथ साथ में जुम्मे की भी नमाज़ पढ़ रही थी अपनी, तो बस मैं बच्चों को भी यही बोल रही थी कि जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म करो और नमाज़ भी पढ़ लो, क्योंकि नमाज़ जो है वो कज़ा हो जाती है तो उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहती है कि भाई नमाज़ नहीं कज़ा होनी चाहिए। तो बस अपनी यही है कि सारी रूटीन तो हमारी पूरी वीक की जो चलती रहती है लेकिन नमाज़ जो है वो फ्राइडे में एक ही दफ़ा, मतलब फ्राइडे आता है तो हम वो पढ़ते हैं। वैसे तो हम पाँच वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ते हैं नमाज़, लेकिन ये कि फ्राइडे जो है वो एक ही दफ़ा आता है वीक में तो इसलिए इसके ज़्यादा अहतमाम होता है। तो बस यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा करी है और साथ साथ में तस्बीह पढ़ी थी और तस्बीह जो है मैं दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ती हूँ, पूरे 100 दानों की तस्बीह है ये। तो बस तस्बीह पढ़ी थी, उसके बाद मुझे अपने कामों में लगना था और मैं ज़ैनब को भी यही बोली थी कि बेटा आप भी जल्दी नमाज़ पढ़ लो और साथ में जन्नत अजवा को मैं बोलती हूँ, हालांकि वो छोटी हैं लेकिन मैं उनकी यही मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको बोलती रहूँ कि नमाज़ पढ़ लें। और साथ साथ फिर वो भी खड़ी हो गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए अपनी। तो बच्चे हैं शुरू से उनको आदत डालो, जितनी जैसी भी आदत डालें आप बच्चों को उसी तरह आदत रहती है। तो बस मैंने यही उन लोगों से बोला, मैंने कहा बेटा आप तीनों बहनें एक साथ बैठ गया बैठ के नमाज़ पढ़ो ताकि आप लोगों को भी आदत रहे और अपने लिए दुआ मांगो, घर के लिए सबके लिए दुआ मांगो, क्योंकि बच्चों की दुआएँ आपको पता है कि बहुत जल्दी कबूल होती हैं। तो बस बच्चे जो हैं यहाँ पर अभी नमाज़ अदा कर रहे हैं। उसके बाद जो है मैं अपने खाने की तरफ लग गई थी, मैंने सोचा कि मैं खाना पकाने की तरफ कर लूँ क्योंकि जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। और वैसे नाश्ते तो सबने देर से ही किए हुए थे लेकिन मैंने सोचा कि मैं ये टाइम से अपने बना लूँ ताकि मैं भी बेफिक्री हो जाती है कि हाँ भाई खाना पका हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं बिरयानी का मसाला तैयार कर रही थी क्योंकि बच्चे जो थे वो तो बाहर जाने की डट लगाए हुए थे लेकिन मैंने ही मना कर दिया था, मैंने कह रही शाम जैसे जैसे हो रही है तो ठंड बढ़ती जा रही है तो इसलिए मैं क्या बेहतर है कि मैं घर में ही बना लेती हूँ, जो खाने मैं इनके बाहर खाने तो वो मैं घर में बना लेती हूँ, बहुत मज़ेदार और अच्छे साफ़ सुथरे बन जाएंगे। तो फातिमा की तो आपको पता है कि बस बिरयानी पे ही उसकी जो पूरी बात होती है शुरू बिरयानी से होती है और बिरयानी पे आके ख़त्म होती है। तो बस ये देखिए मैंने बिरयानी को जो है वो तय लगा रही हूँ, मसाला तैयार कर लिया था और साथ साथ मैंने चावल बॉयल करके उसके तय लगा रही हूँ बिरयानी की। और एक तरफ जो हूँ मैं फिर वो कढ़ाई बनाऊँगी, वाइट कढ़ाई, मैंने यही बोला मैं कि बाहर भी तो यही खाना ना जाके, तो फिर बंदा घर में बना लेता है तो घर में ये कि सही साफ़ सुथरा और अच्छा खाना बन जाता है। और बिरयानी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए बिरयानी की रेसिपी और आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हैं।
अच्छा यहाँ पे फ्राइडे का दिन था आपको पता है, तो फिर काम भी ज़्यादा हो जाते हैं और हस्बैंड घर पे होते हैं उस दिन, तो और ज़्यादा आपको पता है कि जो काम जल्दी निपटने होते हैं वो काम और ज़्यादा लेट हो जाते हैं, क्योंकि सब देर देर से सो के उठ रहे होते हैं और आराम से नाश्ते सबके हो रहे होते हैं। तो ये भी तकरीबन मुझे 5-6 बज गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि दोपहर का और शाम का खाना जो मिक्स ही हो रहा है, तो इसलिए फिर मैं एक सा ही बना लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं वाइट कढ़ाई बना रही हूँ, वाइट कढ़ाई में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया ऑयल के अंदर, और इसके अंदर अब मैं चिकन शामिल कर दूँगी और चिकन को अच्छी तरह मैं भून के, और ये भी घर के मसालों की मैं बना रही हूँ, कोई मैंने इसमें बाज़ार के मसाले या पैकेट वगैरह कुछ भी नहीं डाले, तो बस ये घर के मसालों की मैं आपको कढ़ाई बता रही हूँ। तो मैंने अच्छी तरह इसको ऑयल में चिकन को फ्राई कर लिया है और साथ साथ इसके जो है मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, वो अच्छी तरह इसको भुनाई करेंगे ताकि इसके सारी स्मेल निकल जाए। अच्छा एक प्याली जो है मैंने इसमें दही ले ली है और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने सूखा कुटा हुआ धनिया होता है वो शामिल कर दिया था, और ब्लैक पेपर काली मिर्च इसमें 1 टेबलस्पून वो शामिल कर दी थी। अब वो मैं इसमें चिकन में डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह इसका मसाला बन जाए, और इसमें 1 प्याली जो है मैंने क्रीम के लिए वो इसमें शामिल करूँगी, और ये काली मिर्च देखें ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, और नमक अपने हसब जायका, आप जितना आप खाना पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से नमक डाल लें, और ख़ूब इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है ताकि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो निकल जाए और ऑयल जो है वो निकल आए बाहर। तो ये अच्छी तरह बस इसकी भुनाई करनी है। अब इसके बाद मैं इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये चिकन जो है हमारी अच्छी तरह जो सॉफ्ट हो जाए गल जाए अंदर तक। अब इसमें मैंने 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी और वो शामिल कर दी, चॉप करके डालना चाहे आप चॉप करके डाल दें, नहीं तो पीस के डालना चाहे पेस्ट बना के वो डाल दें। मैंने अच्छा इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया था हरी मिर्चों को। अब मैं इसमें गलने के लिए मैंने चिकन रख दिया था, और जब मैंने देखा कि चिकन अच्छी तरह गल चुकी है तो अब इसमें मैंने 1 पूरी प्याली भर के इसमें क्रीम ऐड कर दी थी ऑलपर्स की, तो उससे ये जो है इसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो बस अभी अच्छी तरह मैं क्रीम जो एंड में बिल्कुल शामिल कर दी थी, अब इसको अच्छी तरह शामिल करने के बाद मैं इसको भूनूंगी, और भूनने के बाद इसका जब ऑयल निकल आएगा तो मेरी जो है कढ़ाई वाइट कढ़ाई वो डन हो चुकी है। ये देखें कढ़ाई ने जो है वो ऑयल छोड़ दिया था, और अच्छी तरह भूनने के बाद ऑयल हमारा सारा बाहर आ गया था। अब ये अच्छी तरह इसे कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो गई थी। अब आप मोटी वाली जो हरी मिर्ची होते हैं वो ले लें, आप बीच में से 2 करके कट करके इसको वो डाल दें, ऊपर से आप हरा धनिया डाल दें, तो इतनी ज़बरदस्त बनती है, और इतनी वाकई में इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि बच्चे और हस्बैंड सब तारीफ़ कर रहे थे। और इसके साथ मैंने मैदे के जो थे वाइट पराठे जो होते हैं मैंने वो बना लिए थे, जो उसके साथ बहुत मज़े के लगे थे। तो इसके साथ जो ये चीज़ें कॉम्बिनेशन आ जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज़ बनता है। और ये देखें आप कढ़ाई की शक्ल, इसमें मैंने हरी मिर्च हरा धनिया डाल दिया था, ऊपर से आप चाहे तो बारीक बारीक अदरक भी काट के डाल सकते हैं, तो अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर मैं आ गई थी गाजर का हलवा बनाने के लिए, बच्चे मीठा मीठा भी कर रहे थे कि मम्मा कल तो केक काट लिया था लेकिन आज दोबारा केक, मैंने कहा नहीं दो रोज़ रोज़ तो केक नहीं खा सकते, मैं कहा चलो मैं गाजर का हलवा बना लेती हूँ, ये सर्दियाँ हैं आपको पता है सर्दियों के मौसम में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैंने 3 किलो गाजरें ले ली थी, और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 लीटर जो है वो दूध शामिल कर दिया था, अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ गाजरों को। अच्छा ये आप देखें इसको अच्छी तरह ये गलने लगे, तो फिर आप इसको चूल्हा सॉफ्ट कर दें, नीचे बिल्कुल स्लो कर दें। और ये जग मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत पुराना जग है, ये तकरीबन 40 से 45 साल पुराना जग है, और ये मेरे अब्बू की निशानी है, मेरे अब्बू लेके आए थे कुएं से, तो हम सब बहनों को अब्बू ने ये दिया था, तो ये मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ जग। तो बस यहाँ पर गाजरें गल रही थी हमारे दूध के अंदर, वो अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, तो उसके बाद पूरी रेसिपी और मैं आपको बताती हूँ। बार बार ये है कि आपको देखना पड़ता है गाजरों को, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पानी अपना भी निकलता है गाजरों का, और उसमें मैंने जो दूध शामिल किया था वो भी मैंने डाला था, तो उससे ये अच्छा खासा इसमें लिक्विड हो गया था। तो बस मैं इसको यही इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी इसका पानी जो है खुश्क हो जाए ताकि मैं इसको फिर भुनाई पर लेके आऊँ, और आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका पानी खुश्क हो रहा था, और बार बार मैं इसको देख रही थी ताकि नीचे न लगे, और इसीलिए मैंने इसको नॉन स्टिक में पकाया था, क्योंकि दूसरा अगर कोई मैं बर्तन लेती तो उसमें नीचे लगने का खतरा होता, लेकिन इस वजह से ये नॉन स्टिक का था इसलिए मैं बेफिक्र थी। और बस मैं इसको अच्छी तरह ऊपर नीचे कर रही हूँ ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, और बार बार मैं चेक करती रही थी। और
और अब इसमें मैंने दो जो कप होते हैं बड़े वाले वो मैंने भर के इसमें चीनी शामिल कर दी थी। ये देखें ये अच्छी तरह, अब इसका ये कि चीनी का भी थोड़ा सा पानी निकलेगा तो अच्छी तरह उसमें ये भुन जाएगी। और इसमें मैंने एक प्याली जो है वो भर के उसमें मैंने असली घी जो मैंने बनाया था घर का मेरे जो घी था मैंने वो इसमें शामिल कर दिया था। और इसमें मैं हाफ़ टेबल स्पून जो है वो छोटी इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ खुशबू के लिए। तो अब इसको मैं जो है वो भूनूंगी अच्छी तरह, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चूल्हा जो अपना वो तेज़ कर दिया था, क्योंकि पानी जो है वो चीनी जो पानी छोड़ती है उससे ये कि ड्राइनेस हो जाएगी अच्छी तरह भुन जाएगा, तो वरना ये कि अगर स्लो आँच में होगा तो वो चीनी जो है और मज़ीद पानी छोड़ती रहेगी। ये घी मैं जो पहले डाल चुकी थी लेकिन अभी मुझे कम लग रहा था, वो मिस हो गई उसकी वीडियो तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने मज़ीद 2-3 टेबलस्पून जो है वो और इसमें घी जो है असली घी है ये ऐड कर दिया था, क्योंकि आपको पता है कि हलवों में या कुछ मीठा ऐसा बनाए तो उसमें घी अच्छा ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें मैं ये फीका खोया है ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब मेरा तकरीबन वो हलवा जो है बनने पर तैयार हो गया था तो मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट जो है सारे वो भी शामिल कर रही हूँ। और इसमें मैंने बादाम पिस्ते काजू जो जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो सब ऐड कर सकते हैं। और बीच में मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मैंने पिसा हुआ खोपरा भी शामिल किया था, तो बाकी जो है मैंने इसमें आधे जो है इसमें शामिल कर दिए थे अंदर हलवे के अंदर, बाकी जो है मैं गार्निशिंग के लिए रखूँगी। तो इसको अच्छी तरह बस मैं भून रही थी साथ साथ, और इतना मज़े का यकीन करें इतना लजीज बना था कि सब ने तारीफ़ करी। तो मैं बच्चों से यही बोली थी अब बताओ घर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है या बाहर जाके खाते तो वो अच्छा लगता। तो बस ये देखें हलवा हमारा जो है वो तैयार हो चुका है और मैं इसमें गार्निशिंग कर रही हूँ। इसमें काजू लगा रही हूँ, बादाम लगा रही हूँ, पिस्ते लगा रही हूँ और इसमें खोया लगाऊंगी। अब मैं अपने हस्बैंड को दूंगी, अब उनके तासुरात देखती हूँ कि वो क्या बोलते हैं। मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी क्योंकि हलवा बन गया था, तो वो कह लगे कि मुझे चेक करवाओ हलवा कैसा बना है। तो मैंने उनको दिया तो उन्होंने चेक किया तो उनको भी बहुत मज़े का और बहुत उनको अच्छा लगा, तो कह लगे कि तुम पास हो गई हो बहुत ज़बरदस्त बनाया हलवा। तो बस यही होता है कि अगर आपको आप इतनी मेहनत करते हैं और आपके जो है वो चीज़ें अगर पसंद आ जाती हैं बच्चों को या हस्बैंड को तो खुशी होती है कि हम शुक्र अदा करते हैं कि चलो हमारी मेहनत जो है वो वसूल हो गई है। तो बस यही होता है कि आप घर में मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए अपने हस्बैंड के लिए उनको चीज़ें पसंद आ जाए तो बस मेहनत वसूल हो जाती है। तो जी अब मैं यहाँ से आपसे लेती हूँ इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।